वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रीता को मारने के लिए एक ऐसी यहां पर कोशिश की जाने वाली है पृथ्वी की तरफ से, जिसमें करीना बुआ को यहां पर मोहरा बनाया जाएगा और साथ ही साथ प्रीता को ही सिर्फ नुकसान पहुंचाया जाएगा। पूरे लूथरा परिवार को अब यहां पर कुछ ऐसे यहां पर टॉर्चर किया जाने वाला है पृथ्वी की तरफ से, जैसा कि पृथ्वी पूरी तरह से अब यहां पर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहा है। उसकी क्या प्लानिंग है, क्या यहां पर पृथ्वी कामयाब हो पाएगा और क्या होगा नताशा का अगला प्लान? क्या यहां पर वो करण और प्रीता के बीच में दूरियां लाने में कामयाब होगी या फिर उसका प्लान फ्लॉप होगा? कई सारे आपके मन में ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे। और उसके साथ साथ सृष्टि अब करने वाली है एक ऐसा वार, वो भी यहां पर पृथ्वी के प्लान के ऊपर, जिसकी वजह से पूरा प्लान पलटने वाला है। चलिए सारी बातें बताते हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आप सबको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब यहां पर करण और प्रीता दोनों साथ में भी नजर आएंगे, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आएगा जब यहाँ पर पृथ्वी अपना प्लान एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि अब यहाँ पर शर्लिन को दिया जाएगा वो नारियल कि जाओ तुम यहाँ पर इस प्लान को आगे बढ़ाओ। वहीं दूसरी तरफ प्रीता को जलाने के लिए और प्रीता को नजदीक लाने के लिए करण एक नया प्लान बनाकर नताशा को अपने साथ में रख रहा है, जहां पर नताशा को लग रहा है कि आखिर में वो जब यहां करण के नजदीक जाएगी तो उसके बाद में प्रीता उसके पास नहीं आएगी। लेकिन उसका सोचना बहुत गलत है, क्योंकि यहां पर प्रीता जैसे जैसे यहां पर नताशा के पास में करण जाता है उतनी ही ज्यादा उसे जेलेसी होती है और उसी को लेकर वो यहां पर रिएक्ट करती है, जैसा कि आपको आने वाले एपिसोड में थोड़ी बहुत हिंट मिल ही गई होगी। उसके साथ साथ अब आने वाले एपिसोड में यही जेलेसी करण और प्रीता को नजदीक भी लाने वाली है। उनके बीच में कुछ ऐसे रोमांटिक मोमेंट भी आने वाले हैं जिसे देखकर आप खुश भी होंगे, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहां पर पृथ्वी और शर्लिन से जुड़ा हुआ है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में शर्लिन थोड़ी घबराई हुई और उस नारियल बॉम्ब को ले जाकर देने वाली होगी वो भी यहां पर प्रीता को, लेकिन तभी अचानक से उसकी टक्कर होगी सृष्टि से और सृष्टि को यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगेगी, जिसके बाद में अब यहां पर सृष्टि जासूसी में लग जाएगी, उसका पुराना काम वो फिर से चालू कर देगी। उसके साथ साथ अब यहां पर बाकी जितने लोग हैं वो सब यहां पर प्रीता को टारगेट करते नजर आएंगे, लेकिन प्रीता अब यहां पर एक नया प्लान बनाकर सामने आने वाली है। महेश लूथरा को साथ में तो लाएगी, लेकिन महेश लूथरा को अब यहां पर फैमिली वालों के साथ में खड़ा करेगी। करीना बुआ का दिल यहां पर पसीजेगा तो, लेकिन उसके बाद में फिर से शर्लिन और बाकी नताशा की तरफ से यहां पर वर्ग लाने की वजह से प्रीता के लिए फिर से नफरत भर जाएगी, वो भी करीना बुआ के मन में। और उसके साथ साथ करण काफी ज्यादा इमोशनल होगा, प्रीता को एक बार फिर से वो अपने प्यार का एहसास दिलाएगा कि आखिर में तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें अगर कुछ भी जरूरत होती है, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूं। जिसके बाद में अब यहां पर प्रीता कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती और उसके बाद में करण की आंखों में देखकर वो खोने लग जाती है। तभी उसे याद आता है अपना अब असली मकसद कि आखिर में उसका मकसद क्या है, वो फिर से उसी लाइन पर आ जाती है, जिसके बाद में करण को थोड़ा अजीब लगता है। यहां पर इसी बात का नताशा फायदा उठाएगी। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।